अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो। ख़वातीन हज़रात, मेरियम वेबस्टर डिक्शनरी के मुताबिक दो या दो से ज़्यादा अफराद खुफिया तरीक़े से कानून तोड़ते हुए अगर आपके ख़िलाफ़ इकदामात करते हैं तो हम उसको साजिश कह सकते हैं, कॉन्स्पिरेसी कहला सकती है वो बात। आज पेरिस के हादसे के बाद से बहुत सारे लोग इस हादसे को साजिश करार दे रहे हैं, कॉन्स्पिरेसी कह रहे हैं। ये आज हमारा मौजू है और हम चाहते हैं कि आप इस मौजू पर जो भी आपके ख्यालात हों, आपका मुझसे इत्तफाक करना ज़रूरी नहीं है, हम चाहते हैं कि आप इस पर रोशनी डालें कि पेरिस में जो हादसा हुआ है क्या वाकईतन वो कोई साजिश थी। ये है हमारा आज का मौजू। हम यहाँ पे एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, उसके बाद इंशाल्लाह इस मौजू पर आपसे तफसील से बात करेंगे। This program is brought to you by Ekno Relief, अमेरिका में कुदरती आफात में मदद के लिए सबसे आगे। मजीद मालूमात के लिए फोन कीजिए 1-866-354-0102। Salwa Foods. They're easy to make and fun to eat. Feed them halal with Salwa. Welcome back to the show. ख़वातीन हज़रात, आज हम बात कर रहे हैं कि पेरिस में होने वाले हादसा क्या कोई साजिश थी, क्योंकि बहुत सारे लोग इस बात की तरफ इशारा कर रहे हैं कि ये एक साजिश थी। मैं ज़ाती तौर पे ख़ुद बड़ी मुश्किल से इस बात पे बिलीव करता हूँ। ये कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज जो हैं ये मुझे समझ में ज़रा कम आती हैं, या कोई बहुत ही ज़्यादा प्रूफ हो तो मैं उसको समझ पाता हूँ, वरना मैं उमूमन इस पे बिलीव करता नहीं हूँ। लेकिन जब आपके सामने बहुत ज़्यादा हकायक़ आएँ तो फिर आपको उसको सोचना भी चाहिए। और कॉन्स्पिरेसीज डू हैपन्स, ये नहीं है कि होती नहीं है, होती हैं, लेकिन हमारे वहाँ चूँकि हमारी एक कौमी आदत बन गई है पाकिस्तान के लोगों की कि जो भी बात हो, जो भी हादसा हो, उसको एक साजिश करार दे दो और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो उठा के किसी दूसरे के गले में डाल दो। इस वजह से शायद ये वजह हो कि मैं कॉन्स्पिरेसी थ्योरी पर ज़रा देर से बिलीव करता हूँ। लेकिन ये पेरिस का जो हादसा हुआ है उस पे पेरिस की एक सियासी जमात नेशनल फ्रंट, बड़ी मज़बूत उनकी जमात है, और उसकी एक साबिक सरबरा हैं ली पेन, उन्होंने कहा कि ये जो हादसा हुआ है ये एक कॉन्स्पिरेसी है और इसमें इस बात की बहुत चांसेस हैं कि इसमें इज़राइल मुलविस हो। तो उनसे पूछा गया कि ये आप किस बात पे कह रही हैं, वो ऐसा क्यों करेंगे? तो उसने कहा उसकी वजह ये है कि वो ये चाहते हैं कि इस्लाम की और फ्रांस की जो है वो आपस में वो रिलेशनशिप बेहतर ना हो बल्कि ख़राब हो जाए। ये बात एक आम औरत ने नहीं कही, किसी एक आम आदमी के ख्यालात नहीं हैं, ये एक ऐसी पार्टी के सरबरा की, जो साबिक सरबरा है, उसके ख्यालात हैं, जिसके अपने बहुत ताल्लुकात होते हैं हर किस्म की एजेंसीज में, हर किस्म के कम ऑर्गेनाइजेशंस में, तो उनकी अपनी नॉलेज, अपने रिसोर्सेज होते हैं, तो हम उनके ख्यालात को यकसर जो है हमें मुस्तरद नहीं करना चाहिए। इसी तरह फ्रांस का एक और अखबार द इंटरनेशनल बिजनेस टाइम, उसका एक एडिशन निकलता है इंडियन टाइम्स के नाम से भी, उसमें उन्होंने लिखा था कि इस हादसे में हो सकता है कि मोसाद इन्वॉल्व हो। अच्छा, ये बात लिखने के बाद, ये बड़ा मोतबर अखबार है जिसको लोग बहुत मुस्तनद अखबार है वहाँ का, उसके दूसरे दिन जो है वो उसकी वेबसाइट से ये खबर हटा ली गई, और बल्कि उन्होंने खुदा जाने किसके प्रेशर पे, किसके कहने पे ये क्यों हटाई, इसका क्या लॉजिक, क्या रीज़न था, ये सामने नहीं आ सका। बहरहाल खबर वहाँ से हटा दी गई। इसके बाद एक रेडियो टॉक शो होस्ट हैं केविन बैरेट, उनका एक अपना ब्लॉग भी है
truthjihad.com, वो कहता है, केविन बैरेट कहता है कि ये एक थिएटर था, जिस तरह थिएटर में किरदार आते हैं, एक्टर्स आते हैं, अपना किरदार अदा करते हैं और चले जाते हैं, तो इसके मानी ये हैं कि ये एक प्री प्लान कोई काम था। इसके अलावा भी बहुत सारे लोगों ने इस किस्म की राय का इज़हार किया। मसलन वहाँ के एक टीवी चैनल पर एक शो है द डेली बीस्ट, उसकी होस्ट डाना कैनेडी, ये खातून मुस्लिम अक्सरियत रखने वाले इलाकों में गई और वहाँ पे जाके इन्होंने लोगों से तासुरात लेने चाहे और लोगों ने कहा, मेजॉरिटी ऑफ द मुस्लिम, उन्होंने कहा कि जनाब हमारी कोई ऐसी मंशा नहीं, हमारे जहन में कोई ऐसी बात नहीं थी और हमारी समझ में नहीं आता, ऐसा लगता है कि ये हमारे खिलाफ जो है एक साजिश की गई है। ये तमाम अभी तक मफरूज़े हैं, इस पे आप वर्डिक्ट पास नहीं कर सकते, लेकिन इन मफरूज़ों का जायज़ा लेना चाहिए। कहते हैं ना गो एक्स्ट्रा माइल, तो इसको ज़रा एक्स्ट्रा केयरफुल होके हमें एहतियात से इसका जायज़ा लेना चाहिए। आप क्या समझते हैं, क्या वाकईतन ये एक साजिश थी, और अगर आपके नज़दीक ये साजिश थी तो आपके क्या रैशनल हैं, आपके पास क्या रीज़न हैं, आप ऐसा क्यों समझते हैं? हम चाहेंगे कि आप अपने ख्यालात हमारे साथ शेयर करें। इसके अलावा एक बहुत अहमियत की बात यह है कि ये भी देखना चाहिए कि मुस्लिम दुनिया, मुस्लिम दानिश्वर इस बारे में क्या राय रखते हैं। मुसलमान ये कहते हैं कि इस हादसे का मकसद जो है वो यूरोप से मुसलमानों को धक्का देना है। मुसलमान आज इस हालत में हैं कि वो डरे सहमे हुए रहते हैं, जबकि डरने की बात नहीं है। ये 1950 का दौर नहीं है कि केजीबी आपके इर्द गिर्द घूम रही है और अगर आपने किसी ख्यालात का इजहार किया तो आपको जो है पकड़ के फौरन कहीं जेल में बंद कर देगी, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप 2015 की गाड़ी चला रहे हैं और 2015 की तरह लिबास जेबतन करते हैं, लेकिन आपका दिमाग अगर 1950 वाला खाइफ दिमाग है, तो यकीन कीजिए आप कुछ डिलीवर नहीं कर सकेंगे, अपने लिए भी नहीं कर सकेंगे, अपने बच्चों के लिए, अपने माशरे के लिए कुछ नहीं कर सकेंगे। अपने जहनों को कभी खौफ में नहीं रखना चाहिए। चर्चिल ने एक बहुत अच्छी बात कही थी, उसने कहा था अगर आप नफ़रत पे और खौफ पे काबू पा लें तो बहुत बड़ी जीत है, आप बहुत आगे तक जा सकते हैं। अब जिस कौम के दानिश्वर जो हैं या जिस कौम के सोचने लिखने पढ़ने वाले लोग जो हैं, वो अगर अपनी राह तक देने से झिझकते हों तो वो मसले का हल क्या ढूंढेंगे। वी हैव अ कॉल। हेलो, अस्सलाम वालेकुम, यू ऑन द एयर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर, माफ कीजिएगा, एक बड़ी अजीब सी बात हुई आपके मुंह से ये निकला जी, जी। आपकी समझदारी बहुत छोटी है। दूसरी चीज ये कि दुनिया में जब से आप अगर नोट करें तो आप तालिबान का नाम जानते नहीं थे, आप अलकायदा को जानते नहीं थे, आप दाइश को जानते नहीं थे। ये कहाँ से पैदा हो गई और कहाँ से एकदम मंजर आम पे आ गई? किसने पैदा किया, किसने ट्रेनिंग दी, किसने ये क्या किया, ये कभी गौर किया आप लोगों ने? और ये जो अब हुआ है, जाहिर है कि दुनिया में इस वक्त पूरी दुनिया के वो ममालिक जहाँ पे मुसलमानों का रहना मुश्किल हो रहा है, उसकी वजह यही है कि मुसलमानों की तादाद खुदा ताला जो है वो ऑटोमेटिकली बढ़ा रहा है। अब आप फ्रांस का ही ले लें, आप ही ने बताया था कि वहाँ ग्रोथ मुसलमानों की इतनी है, अगर 20 साल के बाद देखा जाए तो ये लोग माइनॉरिटी में आ जाएंगे और हम मेजोरिटी में आ जाएंगे। अमरीका में भी आज से 20 साल नहीं तो 50 साल के बाद मेजॉरिटी जो है वो मुसलमानों की हो जाएगी, तो ऑटोमेटिकली ये इस्लामी कंट्रियां बन जाएंगी।
नहीं नहीं कॉलर नहीं, अमेरिका के बारे में ऐसा नहीं है। फ्रांस में मुसलमानों का फर्टिलिटी रेट जो है वो बहुत ज्यादा है इन कंपेयर टू अदर्स। आप जब आए थे और हम जब आए थे जी, उस वक्त मुसलमान क्या मस्जिद मस्जिद 50-100 मील तक एक मस्जिद नजर नहीं आती थी जी। सही सही, आज 100 मील के फासले पे 50 मस्जिद है जी। अच्छा ये फरमाइए कि आप क्या समझते हैं, जो आज मेरा सवाल है आपसे वो ये है कि ये बताइए कि आप क्या समझते हैं, ये पेरिस में जो हादसा हुआ ये अचानक हादसा हो गया या ये बकायदा कोई साजिश थी, कॉन्स्पिरेसी थी, आपका क्या ख्याल है? ये तो आप अपने दिमाग से कुछ सोचें कि ये अचानक कोई चीज नहीं होती, अचानक कोई चीज की प्री प्लानिंग होती है। और इसकी आपने बकौल आपके फ्रांस की जो मोहतरमा है उन्होंने खुद कहा है, तो इसका मतलब ये हुआ 100% कि आप और हम जो है जिस चीज को हमारी तो समझदारी छोटी है, लेकिन जिस लड़की ने ये बयान दिया है वो तो माशाल्लाह काफी काबिल और पढ़ी लिखी और सियासतदान है जी जी जी। तो जी अगर ये बात कही है तो सही कही है, और उससे इन्वॉल्वमेंट इनका भी कहा है, जहाँ आप बैठे हैं ना इनका भी इन्वॉल्वमेंट कहा है। और ऑफकोर्स यहूदियों का तो तबीयत जो है आपसे नहीं बरसों, अब आप ये बताइए कि मुसलमानों का डिवीजन जो है, भाई कहाँ से पैदा हुए, फलाने कहाँ से पैदा हुए, ये सब चीजें किससे पैदा की है यहूदियों ने? अगर आप उसकी तारीख और जड़ निकाल के देखें तो जितने भी अभी आप ये देखें अलफता की टक्कर पे उन्होंने वो बनाई थी हम्मास, अब हम्मास जो है उन्हीं के खिलाफ लड़ रही है। तो ये तो कुदरत का गेम है, कुदरत अपना गेम दिखा रही है, आप अपना गेम दिखाते रहे, आप अपनी चाल चलते रहे, कुदरत अपनी चाल चलती रहेगी। लेकिन जहां तक ताल्लुक है मुसलमान दुश्मनी, ये तो दुनिया में खुल के सामने आ गई है। एक आपके मुंह, आपको याद है आपके सदर के मुंह से भी ये बात निकल गई थी और बाद में उन्होंने कहा सॉरी है कि अब प्रोसेस शुरू हो गया है, ये बुश साहब ने खुद कहा था जी। देखिए आप आपकी आपकी कॉलर आप मेरे साथ रहिएगा, आपकी पहली बात से तो मैं एग्री हूँ, लेकिन दूसरी बात जो है ना कि हर बात की वजह यहूदियों के सर डाल देना ये मुनासिब नहीं। देखिए मुसलमानों की खुद भी तो कितनी हमारी कोताहियाँ हैं ना। देखिए लोग ज़रूर साजिश करते हैं, मैं इससे इनकार नहीं कर रहा हूँ, लेकिन हर छोटी बड़ी बात का हार किसी दूसरे के गले में डाल देना ये ज़हानत नहीं बल्कि ये बहुत बड़ी तारीकी है। हेलो अस्सलाम वालेकुम, यू ऑन द एयर? जी अस्सलाम वालेकुम, मैं अरशद महमूद बोल रहा हूँ। जी बोलिए अरशद साहब। जी देखिए आपके जो टॉक हो रही है अभी उसमें आई शुड से कि जो अभी अटैक हुआ चार्ली हेब्दो के उसमें फ्रांस में, वो देखें फ्रांस अनाउंस्ड एयरक्राफ्ट कैरियर फॉर गल्फ द डे बिफोर हेब्डो अटैक, ये उसके एक दिन पहले की बात है। और उससे पहले जो है वो आप देखें तो ये जरा दोबारा कहिएगा आप क्या, एक्सक्यूज मी आप क्या कह रहे हैं कि एक दिन पहले क्या बात थी? फ्रांस ने अनाउंस किया था एयरक्राफ्ट कैरियर फॉर गर्ल्स अच्छा डे बिफोर हेब्डो अटैक। तो आप उसके बाद देखिए कि जो है वो जो शूटिंग हुई है वो मोसाद के जो है वो पूरी जगह लिखी है कि दिस शूटिंग हैज इजरायली मोसाद रिटन ऑल ओवर। और अगर आप इसको देखें, इफ यू कंसीडर द एक्सपर्टीज ऑफ द शूटर्स एंड द अमाउंट ऑफ प्रिसिशन बिहाइंड दिस अटैक टेकिंग प्लेस, तो वी मस्ट also not forget the timing of the attack, जैसे सबको पता ही है। और ये जो था ये एडवर्स, अब मैं उसको ऐसे देखता हूँ कि I see only for like this is a flag, false flag attack aimed directly at France and it is recently support of the Palestinian and their push for full independence, क्योंकि आप देखिए कि फ्रांस ने फलस्तीन की जो स्टेट है उसको उसकी एक्सेप्टेंस के लिए बात की और फुल इंडिपेंडेंस के लिए उनके साथ बात की उनने। और आप ये देखिए उसके साथ ये कि ये मुसाद को आप ये नहीं कर सकते कि आप उनको वो बिल्कुल छोड़ दें कि साहब वो
जो है वो उनका नहीं हो सकता और सिर्फ मुसलमान का हालात अच्छे नहीं है, आपस में लड़ रहे हैं और कुछ कर रहे हैं, इसके ये मतलब नहीं है। ये सारे ये कॉन्स्पिरेसी है और ये बहुत खतरनाक किस्म की कॉन्स्पिरेसी है। जो 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 लड़के थे उसमें जो जो शामिल थे उनके सारे फौजी एक्शन थे, आर्मी एक्शंस के साथ उन्होंने वो सारे चीजों को सेबोटाज किया वहां पर, और उन्होंने एक एक लड़के ने अपना कार्ड भी वहां पर छोड़ के गए ताकि उनको जब उनको पकड़ा जाएगा तो वो उनको देख सकें उनकी आईडी को, वो उनकी सहूलत के लिए छोड़ गए थे। ये अजीब सी बात है कि उमूमन होता ये है कि वारदात करने वाला अपने निशान नहीं छोड़ता, और यहाँ पे जो है वो निशान छोड़ के गया बाकायदा, और एक जब दूसरी गाड़ी उसने छीनी तो फिर उसके आदमी को बता के गया कि जब पुलिस आए तो तुम उन्हें बताना कि हमारा ताल्लुक़ जो है वो यमन से है, ख़ास करके मेंशन करना। तो ये बड़ी अजीब सी बातें हैं जो अब वक्त गुजरने के साथ साथ सामने आ रही हैं। और ख़वातीन आज़ाद, अब तो पूरी दुनिया में बहुत सारे ममालिक में ये हो गया है कि जो कॉन्स्पिरेसीज़ हैं, जो टॉप सीक्रेट्स हैं, वो एक अरसे के बाद जो है डीक्लासिफाइड कर दी जाती हैं, मंजर आम पे आ जाती हैं, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें सामने आ चुकी हैं जो अब आप इंटरनेट पे पढ़ सकते हैं, छप चुकी हैं, उसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि आप अपनी राय का इजहार ना कर सकें और अपनी बात ना कह सकें। और अमेरिका में आप रहते हुए बसते हुए अपने राइट्स की, अपनी सोच की नुमाइंदगी कर सकते हैं विद इन द पैरामीटर्स ऑफ द लॉ ऑफ द लैंड, इस ज़मीन के जो कानून हैं उसका एहतराम करते हुए, और इस बात को जहन में रखते हुए कि यह अब आपका मुल्क है, इस पे कोई हर्फ नहीं आना चाहिए, इसके अंदर कोई तबाही नहीं होनी चाहिए, और उसके बाद आप अपनी बात जो है वो सामने रख सकते हैं। और आज हम बात कर रहे हैं कि क्या पेरिस में होने वाला जो हादसा है वो मुसलमानों ने किया या मुसलमानों के ज़रिए कराया गया, क्या ये कोई साजिश थी। ख़वातीन हज़रात, मुस्लिम दानिश्वरों में एक तबका जो है उसने एक बड़ी अहम बात कही है, वो ये कही है कि ये हादसा जो है ये मकसद नहीं है, डेस्टिनेशन नहीं है, मंजिल नहीं है, लेकिन ये किसी बड़े मकसद का पहला बुनियादी स्टेप है, किसी बड़े मकसद का पहला बुनियादी स्टेप है, ये मकसद नहीं है, इट इज़ नॉट द डेस्टिनेशन, लेकिन ये डेस्टिनेशन के जाने वाला पहला फुट स्टेप है, उस तरफ जा रहा है। और कुछ जो मैंने पढ़ा उनमें उनकी सोच ये भी थी कि जिस तरह इनकलाब फ्रांस के बाद बहुत सारे ममालिक में इनकलाब आए और तोड़फोड़ हुई थी, तो इसी तरह वो कहते हैं कि न्यू वर्ल्ड ऑर्डर का ये आखिरी राउंड है जो फ्रांस से शुरू हो रहा है। अब हर शख्स की अपनी राय है और अपनी जजमेंट है। कुछ लोग कहते हैं कि ये वो खूनी जो चार चांद ग्रहण हुए थे ये उसका शखासाना है, और बहुत सारे हमारे यहूदी जो हैं दोस्त वो ये बिलीव करते हैं कि 2014-15 जो है वो उनके लिए खुशखबरी लाएगा, और शायद यही खुशखबरी हो। एक कॉलर है, उनको ले लें। हेलो, अस्सलाम वालेकुम, यू ऑन द एयर। हेलो जी खबर साहब, अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी, मैं कमर बात कर रहा हूँ। जी कमर साहब। हाँ जी, मैं ये सिर्फ हाँ जी जी कहना चाह रहा था कि जी जी आपका प्रोग्राम मैं देख रहा था जी, आप ऑलवेज टॉक करते हैं अबाउट मुस्लिम या रिलीजियस इस तरह, तो आपने कभी पाकिस्तान जो क्रिश्चियन है उनके लिए भी कभी बात किया करें, उनको जिंदा जला दिया जाता है उनके साथ जो होता है। अगर यहाँ पर अमेरिका में या फ्रांस में या कहीं भी हमारे साथ कोई भी बुरा होता है तो हम यहाँ पर पैदा नहीं हुए, हमारे वो राइट्स नहीं है, लेकिन पाकिस्तान में जो क्रिश्चियन है बाप दादा से पैदा हुए हैं तो उनके तो कोई राइट्स ही नहीं है, उनकी तो कोई आवाज ही नहीं सुनता ना कोई उठाता है। अभी आप देखें कि जो रिसेंटली वाकया हुआ है, तो कभी कभी आप इस टीवी पर आकर उनके लिए क्रिश्चियन जो हैं, जो मसीही लोग हैं, उनके लिए भी आप आवाज उठाया करें। बिल्कुल, बहुत बहुत अच्छी बात कमर साहब। मैं पाकिस्तान में जो आबाद मसीह
मेरे दोस्त हैं, कुछ तो मेरे बड़े करीबी दोस्त हैं, सालिक साहब जैसे दोस्त हैं मेरे, बड़े ट्रस्टवर्दी दोस्त हैं, और मैंने हमेशा अपने कॉलम्स में भी लिखा और हमेशा जब भी उनके साथ ज्यादती हुई है उस पर बात की है और उस पर बेपनाह पोस्टिंग की है अपनी फेसबुक पे, अपने शो में भी इस पर इंशाल्लाह बात करेंगे मज़ीद जब भी अगर कोई ऐसी बात होती है। क्यों? क्यों? वो पाकिस्तानी हैं, वो पाकिस्तान का हिस्सा हैं, और हमारे जो क्रिश्चियन पाकिस्तानी हैं यकीन कीजिए दे आर वेरी नाइस, वेरी इनोसेंट, वेरी गुड पीपल, वेरी हम्बल एंड स्वीट, सॉफ्ट स्पोकन लोग, बहुत अच्छे लोग। मैं पाकिस्तान में रहा हूँ, मुझे पता है मेरे दोस्त से कि वो कितने अच्छे लोग हैं, और हमारे यहाँ जो जहालत, जो इग्नोरेंस है हमारी माशरे में, जो टॉलरेंस का फुकदान है, वो सिर्फ हमारे क्रिश्चियन भाइयों को नहीं पूरे मुल्क को रौंद रहा है। और ये बहुत पहले से, मैं कई साल से मैं भी कह रहा हूँ, कुछ दूसरे दोस्त भी कह रहे हैं कि भाई इस तरफ आइए, सोचिए और कुछ कीजिए। सिर्फ क्रिश्चियन ही नहीं, अभी जिस तरफ भी आप चले जाएँ वो उनको रौंदते चले जा रहे हैं, क्योंकि जब आग लगती है तो वो ये नहीं देखती, वो जहाँ पे भी हवा का रुख हो वहाँ पे चल पड़ती है। और अगर क्रिश्चियंस के साथ कोई भी ऐसी बात होती है, कमर साहब हम हमेशा आपके साथ रहेंगे, हम हमेशा अगर आप हक पर हैं तो आपकी ज़बान बनेंगे और आपका साथ देंगे। क्यों? आप एक पाकिस्तानी हैं, एक इंसान हैं और मोहब्बत करने वाले लोग हैं। आज जो आज़ादी की जो आपने बात की कि आज अमेरिका में, ये हकीकत है और इस हकीकत को हमें जहन में रखना चाहिए। आज अमेरिका में 2000 मसाजिद हमने तामीर की हैं। ख़वातीन हज़रात, क्या हम अपने मुल्क में 200 चर्च तामीर करने देंगे? इस बात का बहुत सच्चाई से, दयानतदारी से जायज़ा लीजिए। क्या हम वो हुकूक देंगे जो हुकूक इस मुल्क में आके हमें मिलते हैं? जबकि यहाँ पे हम आते हैं, ना इनसे हमारा मज़हब मिलता है, ना इनसे हमारा रंग मिलता है, ना ही हमारी खाला का घर है, उसके बावजूद भी हमें तमाम इख्तियारात, राइट्स जो हैं वो यहाँ पे इस मुल्क में मिलते हैं। तो ये बात तो मैं आपकी एग्री करता हूँ। आज हम बात कर रहे हैं यहाँ पर कमर साहब के जो वाकया पेरिस में हुआ है, उसको बहुत सारे लोग, फ्रांस के जो दानिश्वर हैं, उनके न्यूज़पेपर, मीडिया के लोग हैं, पॉलिटिकल अरीना के लोग हैं, वो बहुत सारे लोग जो है वो उसको एक साजिश करार दे रहे हैं। आप लोग क्या समझते हैं, हम ये बात भी आपसे जानना चाहते हैं। ख़वातीन हज़रात, यहाँ पर हमारे पास एक छोटी सी डॉक्यूमेंट्री है जो इकना रिलीफ से मुतालिक है, मैं आपको दिखाना चाहता हूं। और ये इस बात का सबूत है ये डॉक्यूमेंट्री कि इस मुल्क में रहते हुए अगर आप कोई अच्छा काम करना चाहते हैं और कर रहे हैं तो इस मुल्क के कवानीन में इतनी लचक है कि वो आपको सपोर्ट करेंगे। वो कानून इस मुल्क के लोगों के दिल में इतना ज़र्फ है कि वो आपकी सर्विसेज़ को अप्रिशिएट करते हैं। इकना रिलीफ ये काम कर रही है और देखिए लोग उन्हें किस तरह अप्रिशिएट करते हैं। मैं चाहता हूं कि छोटी सी एक पीस ऑफ डॉक्यूमेंट्री है जो हम आपको दिखाना चाहते हैं। Those were the people who came to us and offered us shelter and offered us food. No, we're not going to let them go. We're not going to allow you to target them. It's amazing. I mean, it's, you know, working with everyone that's here today is just, you know, it truly restores your faith in humanity. Right. And you know, and makes you understand what it is when things go wrong, that, you know, it's good to know that there are people out there that come and help make a difference. Appreciate everything y'all done, and you've been the most as help for us too, and we really appreciate it. Thank you very much. More than happy to do it anytime. It comes from my heart, I really mean it, and it does come from my heart, and I appreciate what you all done. It's really been a pleasure getting to know some of the folks from Islamic Circle of North America. The first time that I saw them come in the community was Hurricane Ike. We were on the same contract together. It was 9 of us, and it was truly amazing. Why was it amazing for me, being a minority? In the disaster industry, I don't see very many people who look like me. And so it was just so impactful and graceful to meet Jane and to see all of the work
that the Muslims do. Why? Because sometimes people prejudge people. They already have made up in their mind what that means. And so seeing them be able to work as a unit and taking care of families, American families who don't even understand the religion. But one thing I know about disaster work, it doesn't matter what color you are, it doesn't matter where you come from. What matters is that you are willing to take care of hurting people. And we all have a pact amongst each other, and that is to turn the victim into the victor. And so I'm so honored to say that I have worked alongside with IGNA because they truly, truly have made a major impact in this industry. They've taken away the myth. They've taken away the prejudgment and the precursors. So I would say I'm grateful for the journey. As Muslims, we have to understand that this is the type of work that's going to win the hearts of people. This isn't some conspiracy to have a mass conversion, right? This is our duty. This is our responsibility. And when we do this work, we will find people standing up on our behalf. It's one of the founding agencies of the 9/11 Long-Term Recovery Program. And over the past decade, I've seen ICNA evolve from my own experience as a local partner into a major national player. And I think it's been important for my agency and many other partners to be able to work so intimately with the Muslim community. It's given us the opportunity to change our mind, perception, and experience of the Muslim community's presence in the United States and recognize that it has an expertise and a commitment to partnership and service that has really changed the minds and perceptions of the community about the role that Islam plays in America and as part of this civil society. And many communities are eager to find ways of partnering with the Muslim community, but without the presence of ICNA offices, a lot of communities are still unfamiliar with the Muslim community and don't understand its beliefs, its cultural traditions, what the community needs in terms of religious food or clothing or sheltering by gender. And without the leadership of ICNA in these communities, helping educate emergency managers and first responders, the communities can't respond as effectively as they need to support the Muslim community in an